फ्लैश न्यूज की सारी खबरें आप तक। पूर्वी दिल्ली जिला की साइबर थाने की टीम ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा निवेश के नाम पर धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्वी दिल्ली जिला की DCP अमृता गुगलोत ने बुधवार को मीडिया को बताया कि पूर्वी दिल्ली जिला की साइबर थाने की टीम ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा निवेश करने के बहाने जनता से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों के नाम, पहला पुष्कर जाट निवासी ग्राम बमनिया खीरी जिला चित्तौड़गढ़ का, इसकी उम्र 22 साल, दूसरा विशाल टैंक निवासी पायल मोहल्ला कपासना जिला चित्तौड़गढ़ उम्र 21 साल, तीसरा नितेश माली निवासी आचार्य मोहल्ला कपासना जिला चित्तौड़गढ़ उम्र 20 साल। इन तीनों को गिरफ्तार किया है पूर्वी दिल्ली जिला की साइबर थाने की टीम ने। आगे DCP ने बताया कि एक मामला दर्ज किया था जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 28/22 धारा 420 IPC के तहत मामला दर्ज हुआ था, जो कि शिकायतकर्ता नीति तिवारी निवासी पॉकेट ए मयूरविहार फेस 1 के हैं, जिन्होंने बताया कि उनसे क्रिप्टो करेंसी में पैसा निवेश करने के बहाने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप रुपए का नुकसान हुआ था जो कि 7,80,000 का हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई थी। पुलिस टीम ने जांच चालू की और जांच के दौरान ये पाई गई कि ठगे गए पैसे को हरियाणा, नोएडा, महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों के 8 से 10 अलग अलग बैंकों खातों में ट्रांसफर किया गया। कथित बैंक खातों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा 2,23,000 रुपये की आंशिक धोखाधड़ी राशि ट्रांसफर की गई थी और खाता एक जितेंद्र राठौर निवासी भीलवाड़ा राजस्थान के नाम पर था, जिसका सिटेक्स इंटरप्राइजेस के नाम पर चालू खाता था। टीम खाते से दर्ज मोबाइल नंबर हासिल करने में सफल रही। तकनीकी साक्ष्य और निगरानी के आधार पर अकोला चित्रघर राजस्थान में एक छापा मारा गया, जहां से पुष्कर जाट, विशाल टोंग और नितेश माली, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 3 बैंक खाते, 1 बैंक खाता सिम कार्ड के साथ UPI और नेट बैंकिंग सक्रिय है। आरोपियों से अब की जा रही है पूछताछ।